हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? लास्ट डायमेंशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ था बेटा, आज हम उसे नेक्स्ट पढ़े एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट्स, सबसे पहले तो एरर्स होते क्या है वो एरर्स देखे बेटा। पहले एरर्स मीन्स गलतियां, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और किसे कहते हैं एरर्स। एरर होती है, एक होती है मेजर्ड वैल्यू और एक होती है ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू होती है मीन वैल्यू, और मेजर्ड जैसे हमने क्या किया, भाई ये बोर्ड है, इस बोर्ड की हमें लेंथ मेजर करनी है यहां से लेकर यहां तक, तो हमारे पास हमने लेंथ मेजर की वो 5 मीटर लेंथ है। ठीक है, दोबारा मेजर की इसकी लेंथ है 5.1, उसका फिर मेजर की 4.9, यानी इस तरह से हम उसके लगातार क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, हो सकता नहीं भी है। ठीक है, तो वो डिफरेंस हो सकता है, वो किसी भी कारण आ सकता है, हो सकता है हमने उसको इस एंड से सही ना पकड़ा हो सकता है उस जो हमारा जो स्केल है उस स्केल में गड़बड़ी हो। तो एरर्स कई तरह से हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर होती है, रैंडम एरर भी होती है, ठीक है, ह्यूमन एरर भी होती है, कई तरह से एरर होती है। तो उन एरर्स को कैसे निकाल सकते हैं हम, तो क्या करें, हमने 3 से 4 बार इसकी रीडिंग ली, यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ नोट की 3 से 4 बार कम से कम। तो हर बार हो सकता है सेम भी आ जाए, हो सकता है एक आध बार डिफरेंट भी आ जाए। तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू तो हो जाएगी उन सभी, जितनी वैल्यू हमने उनकी मेजर की थी, जितनी बार मेजर की थी उन सभी का टोटल करके क्या निकाल दो, उनका मीन निकाल दो। तो मीन वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू। और हर बार जो हमने इंडिविजुअल वैल्यू निकालते गए थे, ठीक है, उनसे क्या निकाल देने, मीन वैल्यू, और हर एक वैल्यू क्या कहलाती है, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो एरर्स का मतलब किसी भी चीज में गलती हो सकती है, टाइम कैलकुलेट करने में गलती हो सकती है, लेंथ मेजर में गलती हो सकती है, किसी चीज को तोलने में गलती हो सकती है, किसी भी चीज में एरर्स हो सकते हैं, किसी भी एनी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू के अंदर एरर हो सकती है। तो उन एरर का मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू क्या कहलाती है बेटा, एरर्स कहलाती है। ठीक है, अब निकालते हैं सीधा सा, मैं ये नहीं बताऊंगा सीधे बात आएगी ह्यूमन एरर क्या, अभी हमारे कारण गलतियां होगी, रैंडम एरर मींस ना चाहते हुए कई बार करते टाइम गलतियां हो जाती हैं, वो सबको पता है एरर्स का। मैं सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए वो। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल लाइन पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज रैंडम एरर, व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, व्हाट इज ग्रॉस एरर, नहीं नहीं पूछेगा आपसे, आप सीधा टॉपिक पे आ जाओ एरर्स। अब एरर्स के टाइप क्या क्या है वो देखो बेटा। फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, जो आपसे निकलवाएंगे न्यूमेरिकल में उनकी बात कर रहा हूं मैं। एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं बेटा, पहले मीन वैल्यू निकालने, मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू। ठीक है, एक बार हम उसकी क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके लिए लेट A1, A2, A3, ठीक है, अप टू AN आर द मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू। तो इनकी मीन वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू कह दो, ट्रू वैल्यू कह दो, ठीक है, एक ही बात है। तो क्या आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी A1 + A2 + A3 अप टू AN और डिवाइड बाय N, N क्वांटिटी है, डिवाइड बाय N कर दो, तो ये आ गई मीन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर आ जाता है एब्सोल्यूट एरर्स। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर्स,
द डिफरेंस बिटवीन क्या क्या, एक तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट, ये जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू कौन कौन सी है? A1 है, A2 है, A3 है, ये इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होंगी? द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू, यानी कि ये इस मीन वैल्यू को मैं AM कह सकता हूं, AM इज इक्वल टू AM, ये AM है बेटा, हम उसको AM से डिनोट कर देंगे, AM इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम एक ही करके एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे सभी का। तो पहले आप इतना नोट करें, हो गया ठीक है। उसके बाद देखें तो एब्सोल्यूट एरर इन A1 कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर इन A1 यानी इंडिविजुअल वैल्यू A1 के अंदर, मेजर्ड वैल्यू A1 के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर है, तो उसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा A1 से, डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा एन क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू, इसकी मीन वैल्यू क्या है AM, एंड माइनस उसकी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू कितनी है A1। ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन A2 कितना आ जाएगा, डेल्टा A2, और डेल्टा A2 हो जाएगा AM माइनस A2। ऐसे ही करते जाओ AN में आ जाओ, AN में आ जाएगा डेल्टा AN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मीन वैल्यू, ये सारी जो मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू और कौन सी क्वांटिटी, AN क्वांटिटी। तो ये एब्सोल्यूट एरर इन A1 होगी, A2 होगी, अप टू AN तक हमने सभी मीन एब्सोल्यूट ना सॉरी एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाल दिए। फिर सेकंड जो पार्ट होता है वो सेकंड पार्ट मीन एब्सोल्यूट एरर आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू आपने नोट कर ली, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहां बात एक नोट करने लायक है, क्या चीज, ये जो एब्सोल्यूट एरर A1 में, A2 में, A3 में जो भी हम निकाल रहे हैं, ये वैल्यू घटाने के बाद में, AM से A1 में घटाने के बाद, माइनस करने के बाद, ये वैल्यू माइनस भी आ सकती है, प्लस भी आ सकती है ना। जैसे 3, 4, 5 मीन क्या आएगा, 4। ठीक है, तो 3 में से 4 करोगे तो -1 आएगा, और 5 में से 4 करोगे तो +1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो इनमें से कोई भी क्वांटिटी प्लस और कोई भी क्वांटिटी माइनस हो सकती है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे मीन, तो मीन हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हमेशा ऐड ना कि सबट्रैक्ट करते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आप करेंगे डेल्टा AM, तो डेल्टा AM अगर करोगे तो उस पे क्या करेंगे, सभी का मैग्नीट्यूड हमेशा ऐड करना है, तो वो कितना आ जाएगा, नीचे कर देता हूं मैं, डेल्टा AM दिस इज इक्वल टू डेल्टा A1, अगर ये माइनस आया होगा तो भी उसका क्या करोगे, प्लस मैग्नीट्यूड यूज करोगे, इसमें प्लस माइनस किसी का भी आया हो जाए उन सभी का हमेशा मैग्नीट्यूड यूज करोगे बेटा, अप टू डेल्टा AN एंड डिवाइड बाई N, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फिलहाल मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, फिर इसका एक न्यूमेरिकल लेके बता दूंगा, फिर कंप्लीट समझ में आपको आ जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो गया, ठीक है, हमने मीन वैल्यू निकाली थी, फिर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट निकाली थी, फिर मीन एब्सोल्यूट निकाली थी। उसके बाद जब मीन वैल्यू आ जाए और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तो ये कहलाती है फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, दिस इज एंड। अब इसके बाद क्या आएगा, सो
फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, यहां से फाइनल रिजल्ट आ जाता है, यानी यहां से पता चल जाता है उसकी वैल्यू, उसके रेंज कहां से कहां तक होगी। तो फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजर क्वांटिटी जो आएगी बेटा वो आ जाएगी ए एम, जो मीन वैल्यू है वो, एंड प्लस माइनस, आइदर प्लस आइदर माइनस डेल्टा एम। इसका मतलब ये तो होगी ट्रू वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस एंड माइनस दोनों। इसका क्या मतलब आया, अगर इसको नोट कर लेना बेटा, इट मींस द गिवन क्वांटिटी जो आएगी ना, द गिवन क्वांटिटी या जो एरर आएगी, एरर्स इन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी इज इन बिटवीन किस किस में बेटा, ए एम प्लस डेल्टा एम एंड ए एम माइनस डेल्टा एम। ठीक है, वो जो वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू एरर से आपके विद एरर लिमिट्स एरर लिमिट के साथ वो टोटल जो गिवन क्वांटिटी है वो इसके प्लस, यानी कि ये वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में होगी वो। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट होगी। अगर हमें ओनली फाइनल रिजल्ट निकालना होगा कि टोटल वैल्यू इसकी कितनी है, तो बस यहां तक निकालना होगा, उसके बाद बस लास्ट क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद टाइप नंबर थ्री नोट करो बेटा इसको, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप नंबर थ्री, उसको बोलते हैं बेटा हम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर क्या आ जाएगी बेटा, ये होती है डेल्टा जो हमने निकाला था मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू जो थी वो, उन दोनों को डिवाइड करता हूं, वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। ठीक है, उसके बाद नंबर फोर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगी बेटा, परसेंटेज एरर होगी डेल्टा ए एम डिवाइड बाई ए एम मल्टीप्लाई बाई 100, यानी रिलेटिव एरर जो आएगी या फ्रैक्शनल एरर जो आएगी उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, वो क्या कहलाती है, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये टोटल फोर हमारे पास निकालने पड़ेंगे, जो फोर क्वांटिटी है ये निकालनी पड़ेंगे हमें बस। तो अब इनका अब एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल लेके चलता हूं, उस न्यूमेरिकल के साथ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एरर की क्या वैल्यू है। ठीक है, एट परसेंट मिटा दे, मैं इजी से लेकर चलूंगा, आपको बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे इसी टाइप के, उसी टाइप के क्वेश्चंस आप अपने आप भी कर लेना नोटबुक के अंदर। फिलहाल मैं आपको एक इजी सा कैलकुलेशन जो जल्दी से हो जाए मैं वो लेके चल रहा हूं, आप आराम से बैठ के एक जो रियल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके बैठना। तो एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, हम मेजर वैल्यू लेते हैं, लेट मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ टाइम जो हमने कैलकुलेट किया था किसी भी स्टॉप वॉच से, तो वो क्या क्या आया, वो आया 1 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये वैल्यू आई, बस 4 वैल्यू आ गई, बहुत है। ठीक है, ऐसे हमने जो बार बार मेजर किया तो इस टाइम से स्टॉप वॉच में टाइम पीरियड आ रहा था, ऐसे मिलेगा नहीं आपको, आपको रियल में क्या मिलेंगे,
2.1, 2.2, 1.9 यानी बिल्कुल अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेंगी। मैं आपको एक सिंपल सा लेके चला उसमें, तो आपको इसमें निकलवाएगा क्या, सब कुछ वही कुछ निकलवाएगा कि कैलकुलेट क्या क्या चीज सीधा कहते परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज सारे निकालने पड़ेंगे हमें। तो एक तो फाइनल मेजर्ड वैल्यू, फाइनल मेजर्ड वैल्यू एंड परसेंटेज ये अब निकलवाएगा। तो देखो बेटे इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या 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 निकालते हैं, मीन वैल्यू, ये क्या क्या होगी इंडिविजुअल मेजर, तो A1, A2, A3, A4 चार होगी, तो इन सब की क्या निकालोगे, पहले मीन वैल्यू निकालोगे, ट्रू वैल्यू निकालोगे। तो मीन वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हम इसको वही मान लेंगे AM, क्या बनेगा 1+2+3+2 एंड डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो कितना गए, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 2, तो टोटल जो हमारे पास मीन आ गया वो कितना आएगा 2। अब क्या निकालते हैं, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर इन A1 कितना आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन A1 दिस इज डेल्टा A1 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू AM माइनस A1, तो AM कितना है हमारा 2 और A1 कितना है फर्स्ट 1, कितना आ गया 1। ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन A2, A2 में कितना आ जाएगा डेल्टा A2, डेल्टा A2 कितना होगा AM माइनस A2 कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन A3 कितना होगा, A3 में आ जाएगा डेल्टा A3 कितना हो जाएगा AM माइनस A3, AM कितना है 2, A3 कितना है 3, कितना है माइनस 1, मैंने क्या कहा था माइनस भी आ सकता है। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन A4, A4 में डेल्टा A4 कितना होगा AM माइनस A4 कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 2 माइनस लास्ट कितना है 2, कितना हो जाएगा 0, ठीक है भाई। ये हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी सभी की। उसके बाद क्या निकालते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन ये तो एक एक करके, यानी कि फर्स्ट ये हम निकाल दिए, सेकंड फिर हम निकालेंगे थर्ड, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर दिस इज इक्वल टू डेल्टा AM, उसमें क्या करते हैं सभी का सम, यानी कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 एंड डिवाइड बाय 4, ठीक है। बताओ क्या आएगा, करो वैल्यू, कितना आएगा डेल्टा AM, डेल्टा A1 कितना है 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 का भी मैग्नीट्यूड 1 प्लस डेल्टा A4 कितना है 0 एंड डिवाइड बाय 4 कितना है 2/4 यानी कितना आएगा 0.5। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा AM 0.5, ये भी क्या होगा सेकंड में थे तो ये सभी किसमें होंगे सेकंड में, ये भी किसमें आएगा सेकंड में, ठीक है। ये टू भी क्या होगा सेकंड, ये तो होगी ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू, और ये टू के अंदर जो मेजर कर रहे थे हम ये उसमें होगी एरर, ठीक है। तो उसकी मेजर ना एग्जैक्ट वैल्यू तो दो है उसकी, और उसमें एरर वो एरर कितनी होगी 0.5, ये एरर दो से ज्यादा भी हो सकती है 0.5 और दो से कम भी हो सकती है 0.5, ठीक है। तो टोटल एरर जो हमारे पास है वो 0.5 एरर है, वो दो से कम भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो हमारे पास फाइनल मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी, नोट करो पहले इसको बेटा,
फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट जो आएगा। देखो तो फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कितना आया बेटा, तो सारे नीड वैल्यू दो ही याद रखना है। फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट नंबर फोर स्टेप ला देता हूं उसको मैं, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। ठीक है तो ए एम कितना है हमारा, ए एम हमारे पास मीन वैल्यू आई थी दो प्लस माइनस, डेल्टा ए एम कितनी है 0.5, ये तो बताया था मैंने आपको, आइदर इसमें एड हो जाएगा यानी कि 2.5 वैल्यू होगी या 1.5। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो 1.5 से 2.5 के बीच में होगी, 1.5 या 2.5 के बीच में, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू हो जाती है। उसके बाद उसने पूछा था परसेंटेज एरर, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, या फ्रैक्शनल एरर कितना होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए एम डिवाइड बाय ए एम, तो डेल्टा ए एम कितना है 0.5, ए एम कितना है 2, दिस इज गुड रिलेटिव एरर। उसके बाद लास्ट क्या निकालते हैं, परसेंटेज एरर, नंबर 6 परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करते हो, डेल्टा ए एम या रिलेटिव एरर को जो हमारे पास आती है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 100, तो डेल्टा एम बाई एम जो हमारे पास आया वो आया 0.5 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ गया 50 आ गया इसका आंसर भाई 5/10 कितना आएगा 5/10 कैंसिल हो जाएगा कितना आगे 25% 25% एरर है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उन वैल्यू के अंदर। ठीक है उसको आप नोट करो, हो गया। उसके बाद हम लेते हैं इसमें कंबिनेशन ऑफ एरर्स बेटा दे, उसके बाद आती है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो इस टाइप में अगर आ जाए तो वे हम इसे निकाल देंगे, लेकिन ज्यादातर एग्जाम के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आती है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स नंबर 1 एरर इन, दो दो का पेयर है, एरर इन सम और डिफरेंस एक जैसे होते हैं, प्रोडक्ट और डिवीजन एक जैसे होते हैं, तो एरर इन सम अगर जोड़ते टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते टाइम एरर्स कैसे निकाले या कितनी होगी, तो एरर्स इन सम है। तो लेट हम मान लेते हैं इसके अंदर, लेट एक्स मान लेते हैं हम दो क्वांटिटी के एडिशन को, लेट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ए एंड बी आर द इंडिविजुअल वैल्यूज, ए और बी अलग वैल्यू है, तो उन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो एक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है तो उसके बाद क्या करें, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी, और ए और बी जब मेजर करते टाइम था तो उनकी इंडिविजुअल तो कितनी आएगी डेल्टा ए और डेल्टा बी, लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो एरर किस में आएगी एक्स में, डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन सम सम ऑफ
प्लस बी कर सकते हो इन सम ऑफ ए प्लस ए एंड बी, ठीक है, सम ऑफ ए एंड बी कैसे कर सकते हो, डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ये भी कह सकते हो सीधा इन एक्स या ब्रैकेट में और इन सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए में एरर डेल्टा ए, बी में एरर डेल्टा बी, एक्स में एरर डेल्टा एक्स। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम वो हो जाएगी बेटा प्लस माइनस बाय द प्लस बाय द माइनस, ठीक है, दोनों हो सकती हैं, लिमिट कहां से कहां तक बात से थी। तो ये बनेगा बेटा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स क्या है ए प्लस बी, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। तो ये वैल्यू बढ़ेगी इसके अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए बता डेल्टा एक्स कितना होगा, यहां पे डेल्टा एक्स कितना है, वेट डेल्टा एक्स से देखा तुम्हें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम, तो यानी हम सीधा ही लिखे पहले, तो ये नहीं पहले लिखो एब्सोल्यूट एरर इन सम या इन एक्स, तो वो कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स, वो कितना होगा बेटा प्लस माइनस ये लिखना डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो एक्स जो निकालेंगे वो तो हो जाएगा ए प्लस बी, और डेल्टा एक्स निकालेंगे वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जो इनके अंदर एब्सोल्यूट एरर थी। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा विद एरर लिमिट्स, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट विद एरर लिमिट वो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। तो आपको एब्सोल्यूट एरर पूछे तो ओनली एब्सोल्यूट एरर ये निकाल दिया, एंड टोटल वैल्यू पूछे आपसे मेजर्ड वैल्यू फाइनल, तो ये आ जाएगी। तो ये किसमें है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर इन सम। तो x इक्वल टू ए प्लस बी, ए और डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, ए और बी में क्या है एरर है, डेल्टा एक्स एक्स में एरर है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स जो होगा वो होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और फाइनल मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, हो गया फर्स्ट। ऐसे आप निकालोगे एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस देखो नंबर सेकेंड, एरर इन डिफरेंस फिर मैं एक एक न्यूमेरिकल लेके चलूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो एरर इन डिफरेंस हो जाएगा बेटा एक्स, हम मान लेते वही सेम कि लेट एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, फिर वही लिख रहे दोबारा से डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी, एंड डेल्टा एक्स आर द एरर इन एक्स, वो बात लिख देना जरूर, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एरर इन एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी एंड डेल्टा एक्स एरर इन एक्स। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इसका भी इतना ही आएगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स दिस इज डेल्टा एक्स, फॉर्मूला सेम वही डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और फाइनल मेजर्ड वैल्यू वही आएगी बेटा, फाइनल रिजल्ट भी वही आएगा विद एरर लिमिट, वो भी क्या आएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो सम और डिफरेंस में दोनों में सेम तरीका होता है निकालने का, दोनों का मैं रिजल्ट आपको एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आपको निकाल के बताता हूं, कर लिया, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल है, क्वेश्चन है उसने क्वेश्चन दे दिया, देर आर टू
कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 दिस इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.5 माइक्रो फेराड, यूनिट होती है इसकी फेराड, माइक्रो आगे लगा दिया, एंड C2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फेराड। ठीक है, फाइंड टोटल कैपेसिटीज या कैपेसिटेंस कह सकते हैं हम when connected in parallel, connected in parallel with error limits, with error limits, and find percentage error। ऐसा numerical बनेगा आपके सामने। इसमें तो हमें ये पता होना चाहिए पहले, गिवन होगा वैसे आपके सामने, कैपेसिटेंस इन जो पैरेलल होता है बेटा, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ये प्लस टू में आएगा आपके लिए, तो एट प्रेजेंट आप इसको इतना याद रखो, कैपेसिटेंस इन जो पैरेलल हम निकालते हैं सिक्पी, ये इक्विवेलेंट है टोटल होगा सबका, वो कितना होता है बेटा C1 प्लस C2। इसका मतलब क्या होगा, समी तो होगा, C1 का और C2 का क्या होगा, सम ही तो होगा। तो यहां पे क्या क्या गिवन है वो देख रहे हैं बात, गिवन क्या है बेटा, C1 के अंदर यानी C1 ये है, तो C1 है 10 प्लस माइनस 0.5, तो उसमें क्या क्या है बेटा, ये तो कहलाएगा C1 तो हो गया 10, और ये क्या कहलाएगा डेल्टा C1, एरर इन C1 कितना 0.5। ऐसे ही C2 क्या है, C2 है 5 प्लस माइनस 0.1, तो इसमें C2 क्या है, C2 है 5 और डेल्टा C2 कितना है, डेल्टा C2 है 0.1। ठीक है, तो सबसे पहले एरर किसमें निकालेंगे हम, इनके अंदर टोटल वैल्यू इनकी, तो भाई सीपी कितना आएगा पहले ये बताओ, सीपी तो हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 कितना है 10 और C2 कितना है 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 माइक्रोफेरा, और फिर निकालोगे डेल्टा सीपी, भाई एरर इन सीपी, तो डेल्टा सीपी क्या होगी, डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2 बस हो गया, तो डेल्टा C1 कितना है 0.5, डेल्टा C2 कितना है 0.1, कितना है 0.6 माइक्रोफेरा, तो फाइनल रिजल्ट कितना हुआ, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया सीपी प्लस माइनस डेल्टा सीपी, ये तो बनेगा, तो कितना है बेटा हमारे पास, कर दो वैल्यू, तो सीपी कितना है बेटा, सीपी है 15 प्लस माइनस डेल्टा सीपी कितना है 0.6, तो ये आ गया फाइनल रिजल्ट। तो एक तो हमने ये पूछा था उसने कि टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, तो टोटल कैपेसिटेंस विद एरर लिमिट ये होगी, फाइनल रिजल्ट का क्या मतलब है कि टोटल कैपेसिटेंस विद एरर लिमिट ये आएगी 15 प्लस माइनस 0.6। ठीक है, कर लिया नोट। उसके बाद से पूछा था परसेंटेज एरर, तो फिर क्या निकालोगे, रिलेटिव एरर निकालोगे, तो रिलेटिव एरर कितना होगा बेटा, रिलेटिव एरर इसे देखो, तो परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो डेल्टा सीपी कितना है हमारा 0.6, सीपी कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100। ठीक है, कितना आया ये आ गया 6 बाई
150 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दियो, दो आ गया, ये तीन तीन दो छह, कितना आ गया 4%। टोटल हमारे पास परसेंटेज एरर कितनी होगी 4%। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल करवा दिया मैंने आपका सम का, एक एक न्यूमेरिकल कर लो डिफरेंस का। देखो जैसे कर लिया, ठीक है, अगला देखो। ये कहते हैं इफ द टेम्परेचर कब बेटा, टेम्परेचर ओम आज कितनी है, आज है 7, तो ये मान लेते हैं 6 अप्रैल मई 2020 इज वाज थाउजेंड वाज T1 इज इक्वल टू 40 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड ऑन 7 मई 2020 इज T2 यानी 42 ± 0.6 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर, व्हाट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट्स एंड फाइंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो क्या है बेटा, देखो उसमें क्या करोगे, तो सबसे पहले वही से जाना दोस्तों आप में बताओ, तो डिफरेंस करना है सीधा, तो सबसे पहले तो हम करेंगे डिफरेंस, तो भाई टी हमारे पास जो आएगी टी तो हो जाएगी कौन ज्यादा है टी टू ना, तो टी तो हो जाएगी टी टू माइनस टी वन, तो टी टू कितना है, टी टू है 42, टी वन कितना है 40, तो ये आ गया 2 डिग्री सेल्सियस, तो टी तो आ गया टी टू माइनस टी वन। फिर निकालेंगे एरर इन टी एंड डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी, डेल्टा टी हमेशा क्या होती है बेटा, प्लस माइनस डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू, एंड याद रखना टोटल क्वांटिटी डिफरेंस के लिए हमने टोटल क्वांटिटी को आपस में क्या कर दिया माइनस, और ये एरर थी टी वन में, ये एरर थी टी टू में, एरर हमेशा ऐड होती है जिंदगी में, ये भी याद रखना हमेशा जिंदगी के नियम में भी हमेशा एरर्स होती है, जुड़ती चली जाएंगी, ये नहीं है कि हमने एक गलती की और दूसरी गलती से कट गई, नहीं, एरर प्लस एरर, एरर प्लस एरर सारी ऐड होंगी जितनी भी गलती आप करोगे वो, तो ऐसे ही यहां भी है सिमेट्री होती है हर चीज में, तो एरर यहां भी कितनी आएगी हमेशा ऐड होगी, तो एरर कितनी ऐड हुई बेटा, वो कितनी थी 0.5, ये कितनी है बेटा 0.6, कितनी होगी 1.1, तो ये प्लस माइनस आगे, तो प्लस माइनस 1.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, हो गया, अब टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल टेम्परेचर ये फाइनल रिजल्ट जो आया वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा टी प्लस माइनस डेल्टा टी, तो टी हमारे पास कितना है, टी है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 ± 1.1 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या निकालते हो, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या करते हो बेटा, डेल्टा टी डिवाइड बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा, एरर देता हूं मैं, कितना आएगा, डेल्टा टी कितना है 1.1, टी कितना है 2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, 11/10 एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 110 डिवाइड बाय 2 यानी कि प्लस 1%। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस का। ठीक है बेटा, तो बस एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस मैंने आपको एक एक करवा दी, एक एक दो दो क्वेश्चन आप खुद कर लेना, सफिशियंट है, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, बस एरर आगे करोगे प्रोडक्ट में और डिवीजन में, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे उसमें एरर पढ़ेंगे, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन डिवीजन, और उसके बाद एरर इन क्वोशेंट, एरर इन पावर्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।